तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, आपका फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मैंने इनका दाना पानी कर दिया है, हमारे कबूतरों का, कॉकटेल्स का, सबका, और मैंने चूजों को भी यहाँ ही छोड़ा था दोस्तों। अभी अभी पता नहीं ये कहाँ चले गए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ नीचे घूम रहे हैं, यहाँ इनका दाना डाला हुआ है, ये थोड़ा दाना खाते हैं दोस्तों, उसके बाद जो है ये अपने लिए कीड़े मकोड़े ये सब खाने में बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने सबका दाना पानी जस्ट अभी कर लिया है दोस्तों, उसके बाद जो है मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। तो चलिए आज जो है दोस्तों हम हमारे ये वाले जो पेड़ है दोस्तों, एक बजीस का, हम इसे शिफ्ट कर देंगे उनके पुराने वाले घर में दोस्तों। ये जो है वाला पेड़ हम इन्हें जहाँ पर ये पहले हुआ करते थे उनके बड़े वाले केज में, तो हम इन्हें वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे वापस इनके पुराने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं ये लोग खुश होते हैं या नहीं अपने पुराने दोस्तों को मिलके दोस्तों। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हम मास्टर केज के अंदर और इन्हें शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर अंदर दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मास्टर केज में आता हूँ, जैसे कि हमारे इन वाले लोबर्ट्स का रोज़ कोई ना कोई जो दोस्तों शरारत होती है। देखिए पता नहीं ये लोग ये स्ट्रे को ही बाहर निकाल दिए हैं दोस्तों, पता नहीं कैसे ये लोग इसे ही बाहर निकाल दिए। चलिए हम इसे अंदर कर देंगे। और आए दिन जैसे ही हम मास्टर केज के अंदर आते हैं दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ एक या दो अंडे तो नज़र ही आते हैं। यहाँ पर देखिए एक और अंडा मुझे पड़ा हुआ मिला है दोस्तों, देखिए बजीस का अंडा है ये। ये लोग ऐसे ही गिराते हैं, अब देखिए हमारे चूज़े इसे खाने आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने वहाँ पर फेंक दिया है उसे, हमारे चूज़े आके उसे खा लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले हम इन्हें जो है यहाँ पर अंदर शिफ्ट करेंगे, देखेंगे ये क्या फील करते हैं दोस्तों। और मैंने यहाँ सॉफ्ट फूड के लिए इनके लिए दोस्तों मूंग लाई थी दोस्तों, भिगे हुई हुई। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी इन्हें दी भी नहीं, ये वाली बजी को देखिए ये यहाँ पर ही आकर बैठ के खा रही है, उड़कर चले गई। तो चलिए सबसे पहले हम बजीस को ही यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों इसके अंदर, ये जो है आराम से खा लेंगे यहाँ पर बैठ के दोस्तों। तो उससे उसके बाद जो है हम हमारे अफ्रीकन लवर्स को और सबको जो है दोस्तों ये प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैंने फिर से एक और चीज़ देख ली है, इन लोगों ने दूसरा वाला अंडा भी जो है दोस्तों निकाल के बाहर फेंक दिया है। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हो गया था कि ये लोग अंडे दे दिए दोस्तों, इनके बच्चे निकलेंगे, पर इन्होंने जैसे ही अंडा दिया है देखिए फिर से जो है दोस्तों अपना अंडा बाहर निकाल के फेंक दिए हैं। पता नहीं इनकी क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप, एक अंडा तो कल ही फेंक दिया था इन्होंने, आज दूसरा अंडा भी ये लोग फेंक दिया है दोस्तों। पता नहीं इनका अब क्या कहें हम। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस अंडे को भी बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसके अंदर कुछ है क्या नहीं अब, या किसी और का अंडा है ये। हाँ दोस्तों ये इनका ही अंडा है, पता नहीं क्यों ये लोग जो है इस अंडे को निकाल कर बाहर फेंक दिए हैं। इस पूरे केज में ही यही काम चल रहा है दोस्तों, हर कोई बस अपने अंडे नीचे फेंक रहा है, पता नहीं इनको जो है दोस्तों क्या तकलीफ़ हो रही है, मुझे तो समझ आ नहीं रहा है। तो चलिए हम एक काम करेंगे, अब उस अंडे को निकाल लेंगे पहले, उसके बाद जो है हमारे इस वाले बजीस को यहाँ पर छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की है या नहीं पर मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए इन लोगों ने पूरी स्टिक ही तोड़ दी है दोस्तों एक और बार, ये सेकंड टाइम है दोस्तों, फर्स्ट टाइम भी इन्होंने जो है स्टिक तोड़ दी थी। देखिए इसका एक जो पीस यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक और पीस जो है दोस्तों यहाँ पर पड़ा हुआ है, देखिए इन्होंने पूरी स्टिक ही तोड़ दी है। ये लोग करते क्या हैं दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर एक और स्टिक लगाने पड़ेगी दोस्तों हमें, नई स्टिक यहाँ पर, ये सेकंड टाइम है दोस्तों। इससे पहले भी जब नीचे रखे हुए थे ये हमारा सेटअप, जब भी इन्होंने ऐसे ही पूरी स्टिक कटा दी थी। अब मेरे पास स्टिक भी नहीं है दोस्तों, देखते हैं कहीं से एडजस्ट करते हैं। वहाँ पर हमने कॉकटेल्स की जो है दोस्तों स्टिक निकाल के मोटी वाली लगाई थी, वो स्टिक देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बैठ सकती है या नहीं, तो हम वो यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों। ऐसे में है वो स्टिक, तो देखते हैं अगर वो यहाँ पर सेट हो जाएगी तो अच्छा है दोस्तों, तो हम उसे यहाँ पर लगा देंगे। तो इस वाले बॉक्स में तो ये लोग अंदर ही बैठे हैं, मैं इसे खोल के बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने पे भी ये जो है दोस्तों अपने अंडे नीचे फेंकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टिक लगा दूंगा, उसके बाद जो है हम इनकी शिफ्टिंग करेंगे दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैंने इन्हें स्टिक लगा दी है, अब की बार जो है मोटी वाली स्टिक लगाई है दोस्तों। इन्हें जो है इसे कतरने में जो है दोस्तों तकलीफ होगी, ये कतर नहीं पाएंगे, फिर भी देखते हैं दोस्तों। मैंने अब की बार दो स्टिक लगाई है दोस्तों, क्योंकि ऐसे वाली मेरे पास स्ट्रेट वाली या ऐसे टेढ़े वाली स्टिक जो है वो थोड़ी बड़ी होती है, वो मेरे पास नहीं थी, ये छोटे छोटे ही दो थे, तो मैंने उसे ऐसे लगा दिया। अब ये लोग जो है दोस्तों आराम से ये वाला पैर यहाँ, ये वाला पैर यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इन्हें। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने स्टिक्स लगा दी है, अब बारी है हमारे इन बजीस को यहाँ पर अंदर छोड़ने की दोस्तों। तो चलिए हम इन्हें एक एक से यहाँ अंदर छोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने इन्हें पकड़ लिया है यहाँ पर, तो चलिए अब जो है हम इन्हें वापस इनके केज में रिलीज़ कर देंगे, जो इनका ओरिजिनल केज है दोस्तों जिसमें ये पहले हुआ करते थे। तो चलिए हम इन्हें जो है अब वापस इनके नए वाले केज में, यानी कि इस वाले केज में जो है दोस्तों रिलीज़ कर देंगे। तो चलिए
जाओ तुम यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हमने जो है यहाँ पर छोड़ दिया है, अब चार पैर है दोस्तों, ये आराम से रहेंगे यहाँ पर। हम इन्हें जो है दोस्तों सेल नहीं करेंगे, इन्हें जो है बड़ा करके वापस यहाँ पर छोड़ देंगे दोस्तों ब्रीडिंग के लिए। और यहाँ पर देखे दोस्तों, हमने जो है हमारे इस वाली जो ब्रीडिंग बॉक्स इनकी पेटी होती है उसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया है, चार इंटे हमने नीचे से लगा के इस बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर ले लिया है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि ये पहले पिंजरा ऊपर हुआ करता था, अब हमने पिंजरा नीचे रख दिया है। तो देखिए ये यहाँ आराम से चल रहे हैं, वरना ये यहाँ चलने के लिए डर रहे थे दोस्तों। तो अब ये यहाँ आराम से घूम फिर रहे हैं। बस ये मैंने ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि बारिश वारिश आई तो पानी आएगा, तो ये भीग सकती है, तो मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। तो देखिए अब ये बिल्कुल सेफ है दोस्तों। बस हमने इनके लिए आज नेस्टिंग मटेरियल भी मैं इन्हें कल दे दूंगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए ये कितने खुश हो रहे हैं, ऊपर चढ़ के दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कबूतर। तो चलिए अब हम इसे कर देते हैं बंद यहाँ पर, और ये देखिए कैसा मेरे पास आ रहे हैं। हमने इसे यहाँ पर बंद कर दिया है, और यहाँ से भी मैंने एक लॉक लगाया है दोस्तों। हमने इसे यहाँ पर थोड़ा ऐसा करके इसे बंद कर देंगे तो ये भी पूरा पैक हो जाएगा दोस्तों, नीचे से भी कुछ भी यहाँ पर जा नहीं सकेगा। तो इसको हम कर दिए हैं पैक, और सब काम आज का हमारा हो गया है दोस्तों। कॉकटेल्स को भी हमने दाना पानी डाल दिया है, और वहाँ पर देखिए एक कॉकटेल जो है दोस्तों मटकी में जाना यानी कि अपने ब्रीडिंग बॉक्स में जाना भी चालू कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जो है दोस्तों फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।